दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की स्मृति में सप्त दिवसीय व्याख्यानमाला के तीसरे दिन भाषा व संस्कृति पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नई दिल्ली के शैक्षिक सलाहकार व शिक्षाविद डॉक्टर राजीव राय ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए नई दिल्ली के शैक्षिक सलाहकार व शिक्षाविद डॉक्टर राजीव राय ने कहा कि भाषा विचार अभिव्यक्ति का माध्यम व साधन है। मानव समाज के जीवन यापन के विविध रीति रिवाज को संस्कृति कहते हैं। मानव संसाधन की अनिवार्य आवश्यकता भाषा है, तो इसे सजाने संवारने एवं समाज और वैश्विक सामंजस्य बैठाने की जरूरत का नाम संस्कृति है। भाषा जहां मानवीय आवश्यकता की खोज है, वहीं विभिन्न संस्कृतियां हमारे जीवन के विविध रूप हैं। अतः भाषा और संस्कृति दोनों सामाजिक अर्जित संपदा हैं। दोनों के संरक्षण और संवर्धन से मानव समाज अद्यतन तथा समकक्षीय हो सकता है। उन्होंने कहा कि भाषा और संस्कृति के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। भाषा संस्कृति की मौखिक अभिव्यक्ति है। संस्कृति से ही देश के उन समस्त संस्कारों का बोध होता है। इस अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के डॉक्टर सत्येंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव, इंद्रेश पांडे, पीयूष सिंह, भगवान सिंह, डॉक्टर राकेश सिंह, डॉक्टर अदिति, डॉक्टर शैलेश सिंह, डॉक्टर सुनील सिंह, डॉक्टर रुक्मणी चौधरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने कहा, हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों के चित्र लें और एक कोलाज बनाए तो हमें आज की प्रिमिटिव सोसाइटी मिलेगी, है ना। जो जारवा समुदाय के लोग हैं, जो जंगल में रहते हैं, यहाँ से लगभग वो कट ऑफ है। आदिवासी समाज के भी लोग हैं जो कुछ पुरानी परंपराओं के साथ नई परंपराओं को एडॉप्ट किया है उन लोगों ने, वो भी हैं। और हमारे पास सुपर रिच और सुपर क्लीन, है ना, दुनिया के धनी लोग भी हैं और दुनिया के विद्वान लोग भी, चाहे वो साइंस का फील्ड हो, चाहे शिक्षा का फील्ड हो, एकेडमिक कल्चर थिएटर फिल्म, तो वो भी तो इतनी विविधताएं हैं और उसमें इतना वेरिएशन है और सब चीज़ों को एक साथ देखेंगे कि हम उनके क्या अंतर संपर्क हैं। भाषा से अगर हम शुरुआत करें तो भारत में अभी भी लगभग 100 से ज़्यादा भाषाएं एग्जिस्ट करती हैं। ये कभी 500 थी, लेकिन धीरे धीरे भाषाएं मर रही हैं, पूरी दुनिया में मर रही हैं और बोलियां उनसे तेजी से मर रही हैं क्योंकि उनका कोई स्क्रिप्ट नहीं है और अगर वो पठन पाठन में शामिल नहीं है और रोजगार का साधन नहीं है तो वो भाषाएं दुनिया में बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं। लेकिन फिर भी अभी भी हिंदुस्तान में 500 से ज़्यादा बोलियाँ एग्जिस्ट करती हैं और 100 से ज़्यादा भाषाएँ हमें एग्जिस्ट करती हैं। और संस्कृति का जो संबंध है उसको मैं केन्या के एक लेखक हैं गोगो वाथ्यू की, है ना, क्योंकि केन्या का समाज भी भारतीय समाज जैसा ही है और वहाँ 18वीं शताब्दी से ही भारतीय लोग गए, तो अभी बहुत सारी भारत की चीज़ें आपको समोसा और पकौड़ी और रोटी ये केन्या में भी सब मिलता है और लोग जानते हैं इसके महादिवाली और ये सब। तो गुगी और थिंगो के संदर्भ से मैं बात करूँगा केन्या की और भारतीय संदर्भ में आप उसको देख सकते हैं भाषा और संस्कृति के संबंध में। लेकिन जो संस्कृति है, जो कल्चर है और भाषा है, भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है। हम एक बातचीत कर रहे हैं सिर्फ भाषा का यही रोल नहीं है। भाषा एक कल्चरल बाई प्रोडक्ट होती है। जब हम और आप एक भाषा के साथ सहज होते हैं तो हम दोनों ये मान लेते हैं कि हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में बहुत चीजें कॉमन हैं। तो भाषा एक कल्चरल बाई प्रोडक्ट होती है, आपके कल्चर से आती है। गोंती नाम के एक एजुकेशनिस्ट और लिंग्विस्ट हुए हैं, उन्होंने भाषा को लेकर काफ़ी काम किया, तो वो ये बताते हैं कि भाषा में कैसे जो एजुकेटेड क्लास है उसमें हर एक चीज़ को लेके डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, वो परिवार एक साथ खाना खाता है, लेकिन चर्चा करते हैं। उसके बरक्स अगर आप देखें तो जो खेतिया समाज है वो उसमें भाषा का बोलने वाली भाषा का नॉन वर्बल तो काफ़ी यूज होता है पर वर्बल उस
बहुत कम यूज होता है, क्योंकि अब खेत में जाना है ना, तो उसमें ज्यादा बोलने का नहीं है। सूरज उगा, आप खेत पे गए, वहाँ फावड़ा है, कुर्सी चला, आपने काम किया, उसके बाद एक बजा आपने खाना खाया, तो बहुत ही नई तरह से अलग अलग काम करने वाले लोगों के बीच में भाषा के विकास को लेकर काम किया है, तो वो उस कल्चरल रिफ्लेक्शन से भी जुड़ा हुआ। तो भूखी बात जो लोगों की मैं बात कर रहा था, वो केन्या के लेखक हैं और उनकी किताबें हिंदी में भी ट्रांसलेट हुई है, उनकी एक किताब है भाषा संस्कृति और मातृभाषा। भूखी ने एक बात उसमें लिखी और उनकी अपनी मातृभाषा जो है किकियू है, किकियू किसी केन्या में भी कई और भाषाएं बोली जाती है, तो उनकी अपनी मातृभाषा किकियू है। तो उन्होंने ये कहा कि 4 साल तक जो वो भाषा बोलते थे उसके साथ उनका सांस्कृतिक जुड़ाव ज्यादा महसूस होता, क्योंकि तब तक वो स्कूल नहीं है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग, जैसे मैं अपने घर में भोजपुरी बोलता है ना, लेकिन स्कूल में तो हमारी भाषा भोजपुरी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि 4 साल तक जो भाषा हम बोलते थे अपने परिवेश में, अपने घर में, वो और जो हम विद्यालय उस भाषा में बहुत फर्क था। और वो जिस विद्यालय में गए वो उस समय औपनिवेशिक शासन था और एक अंग्रेजी विद्यालय था जिसमें उनका एडमिशन। उस विद्यालय में एक प्रक्रिया ये होती थी कि जो भी अपनी लोकल भाषा बोलता था उसको एक बटन, ये बटन होती ना, तो मॉनिटर, एक मॉनिटर बना दिया जाता है। मॉनिटर की जिम्मेदारी होती थी कि वो बटन दे देगा जो भी अपनी लोकल भाषा स्कूल में इस्तेमाल करेगा, और अंग्रेजी जो बोलता था, जो बेहतर अंग्रेजी बोलता था, उसको रिवॉर्ड मिलता था, उसको साफ। आज की जो गोष्ठी है ये दिग्विजयनाथ स्मृति व्याख्यान माला के तहत आज 3रा दिन है और आज की गोष्ठी का विषय है भाषा संस्कृति और शिक्षा तथा राष्ट्रीयता भारत के विशेष दृष्टिकोण में। तो भारतीय दृष्टिकोण से शिक्षा पर, संस्कृति पर, राष्ट्रीयता पर और इनके अंतर संबंधों पर विचार होगा। इसमें दिल्ली से जो है प्रमुख शिक्षाविद डॉक्टर संजीव राय जी आए हैं, जो कि करीब 20 देशों में शिक्षा पर उन्होंने काम किया है और कन्फ्लिक्ट एजुकेशन एंड पॉलिटिकल टर्मोइल इन नेपाल एक उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, कोरोना काल में शिक्षा एक महत्वपूर्ण पुस्तक की, आपदा के दौर में जो है हम शिक्षा को कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं, इस विषय पर उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। तो आज उनका विशिष्ट व्याख्यान जो है व्याख्यानमाला के तहत है और इसी पर हम लोग आज विचार करेंगे।